आप सभी का राम भक्तों का मेरा राम राम। आज हम ऐसे स्थान पे हैं, भारत की तपोस्थली भारत कुंड में हैं। जैसे कि प्रभु श्री राम मंदिर बनने के साथ साथ अयोध्या में तमाम ऐसे जो प्रभु श्री राम से जुड़े तमाम ऐसे जो धार्मिक स्थान है, जैसे कि भरत कुंड। मैं आज उस इसी स्थान पे भरत कुंड में हूँ। ये भरत कुंड आप हमारे पीछे देख सकते हैं, भरत कुंड का ये विशाल सरोवर है। आज के तमाम ऐसे जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, यानी कि राम मंदिर के साथ साथ जो तमाम ऐसे यानी कि अयोध्या से जुड़े तमाम ऐसे प्राचीन मंदिरों का डेवलपमेंट हो रहा है, आज की ब्लॉग्स वीडियो के माध्यम से आपको ऐसे हम डेवलपमेंट को आप दिखाएंगे। शुरू से लेकर अंत तक आप वीडियो पर वॉच करें। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल यूपी ब्लॉग तक को सब्सक्राइब भी कर दें। और सो गाइस, मैंने ये सरोवर का डेवलपमेंट दिखाया आपको, किस तरह भरत कुंड अयोध्या के विकास में किस तरह यानी कि निरंतर जुड़ा हुआ है। राम मंदिर बनने के साथ साथ यानी कि भरत कुंड का भी विकास हो रहा है निरंतर। आप हमारे पीछे सरोवर देख सकते हैं, ये काफ़ी सुंदरीकरण हो रहा है सरोवर का। जो हम भरत कुंड यानी कि भरत कुंड पर आए हैं तो भरत मिलाप मंदिर का भी आपको दर्शन कराएंगे और किस तरह डेवलपमेंट हो रहा है उस को भी आप दिखाएंगे। चलो चलते हैं भरत कुंड मंदिर। आपके मंदिर पर हम आ चुके हैं। अभी मैंने यानी कि सरोवर का वीडियो दिखाया, अब हम भरत राम यानी कि भरत मिलाप मंदिर पे आए हैं। ये हमारे आप पीछे देख सकते हैं, मुख्य गेट है, एंट्री पॉइंट, यहीं से आप एंट्री कर सकते हैं। ये आपको ये प्राचीन मंदिर आपको दिख जाएगा, ये कितना विशाल प्राचीन मंदिर है। चलो हम आपको मंदिर के अंदर लेकर चलते हैं। उसके बाद आप जैसे ही मंदिर में प्रवेश करें तो प्राचीन इसमें एक साथ आपको यहाँ पर प्राचीन शिव मंदिर का भी दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भक्त लोग जिनको इनकी प्रतिदिन यानी कि प्रतिदिन सीताराम सीताराम करते रहते हैं, जाप करते रहते हैं। ये दक्षिणी मुखी प्राचीन भरत गुफा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों। लालु आता है इसको रामायण इत्यादि अध्ययन करना है तो यहाँ पर रामायण की पुस्तिका रखी है। यहाँ पर टाइमिंग चाहे जब भी आप आकर रामायण का अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही मंदिर के अंदर आप आएंगे तो इस तरह राम मिलाप आपको मंदिर सकते हैं, जिसको आपको यानी कि दान दक्षिणा देना हो तो आपको दान पत्र है। उसके बाद यहाँ पर प्रसाद भी आप ले सकते हैं बाबा जी के हाथों से। उसके बाद आप देख सकते हैं कितना बड़ा विशाल मंदिर है। उसके साथ साथ जैसे कि अगर किसी को भाव भजन करना है, इत्यादि करना है तो मंदिर प्रसंग में आकर कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल यूपी ब्लॉग तक को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ताकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक पहुँच